वेलकम टू द सिनेमा माइंड। आज फिल्म रिव्यू करेंगे भोसले। वैसे तो ये फिल्म बनाई गई है 2018 में, बहुत सारे इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल पर इसको एग्जिबिट किया गया है, बहुत सारी तारीफ प्रशंसा इस फिल्म की हुई है। इसे डायरेक्ट किया है देवाशीष मखीजा ने और ये एक बहुत ही टैलेंटेड डायरेक्टर है। इससे पहले उनकी बहुत सारी फिल्में आई हैं, शॉर्ट फिल्म्स आई हैं। 2017 में उनकी एक अज्जी नाम की फिल्म थी, कमाल की फिल्म बनी थी, वो रिवेंज ड्रामा फिल्म थी। और ये 2018 में बनी, जैसे मैंने आपको बताया है भोसले फिल्म। ये अभी 2020 में सोनी लिव इस OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज़ किया गया है। अब ये ऐसी फिल्म नहीं है कि थिएटर पे इसे जल्दी से जगह मिल जाए, मतलब एलोकेट हो, डिस्ट्रीब्यूट हो और सुपर हिट हो जाए, ऐसी ये तो फिल्म नहीं है। एक अलग किस्म की फिल्म है ये, तो लकीली OTT प्लेटफॉर्म पर उसे जस्टिस मिल पाएगा, आराम से एक्सेस मिल पाएगा और लोग देख सकेंगे इस फिल्म को। अब इस फिल्म का रिव्यू करने से पहले मैं कुछ बताना चाहूँगा आपको। अब ये जो सरनेम है भोसले, ये महाराष्ट्रीयन सरनेम है और इसे सुनने के बाद, खास करके आप महाराष्ट्रीयन हो तो एक ही इमेज हमारे दिमाग में, दिल में आती है, शिवाजी राजे भोसले, छत्रपति शिवाजी राजे भोसले। अब उनकी हिस्ट्री में नहीं बताऊंगा, हम सबको उनकी हिस्ट्री पता है, लेकिन एक उनकी बात थी, कमाल की बात थी। वो पराई औरत को माता समान मानते ही थे, लेकिन अगर उस औरत पर जुल्म होता है, कोई आँच आती है, तो जिस आदमी ने उस पर जुल्म किया है, अत्याचार किया है, उसको बख्शा नहीं है उन्होंने, फिर वो आदमी पराया हो या अपना हो, नहीं बख्शा। चलिए अब रिव्यू करते हैं फिल्म भोसले। ये जो भोसले नाम का कैरेक्टर है, ये एक कांस्टेबल है, मनोज वाजपेयी जी ने इसको प्ले किया है, रिटायर हो रहे हैं ये। और हमें फिल्म की शुरुआत में पता चलता है, दो सीन पैरेलल में चलते हैं कि एक जगह पर एक सीन में मनोज वाजपेयी जी भोसले जी रिटायर हो रहे हैं, अपने यूनिफॉर्म को सरेंडर कर रहे हैं, थके हैं, निराश हैं, रजिस्टर में एंट्री कर रहे हैं, एग्जिट एंट्री, और दूसरी जगह पर एक बड़ा गणपति बनाया जा रहा है, प्लास्टर लगाया जा रहा है, पेंट किया जा रहा है, उसे पीताम्बर पहनाया जा रहा है। ये दोनों साइमल्टेनियसली चीज़ें चल रही हैं। ये गणपति फेस्टिवल को लेकर बहुत सारा शोर हमें सुनने को मिलता है और एक बैकग्राउंड म्यूजिक भी सुनने को मिलता है, बहुत कंपैशनेट बैकग्राउंड म्यूजिक है। दो इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल किए गए हैं इस बैकग्राउंड म्यूजिक में, वायलिन और गिटार, अकाउसिक गिटार। अब इस बैकग्राउंड म्यूजिक को मोटिव की तरह इस्तेमाल किया गया है, कुछ ऐसे एक्सक्लूसिव बेहतरीन सीन है, इमोशनल सीन है, वहीं पर यह बैकग्राउंड म्यूजिक बजता है याद दिलाने के लिए, मोटिव के तौर पर। और फिर वो रिटायर होते हैं, उनके दिमाग में है कि कुछ भी करके उन्हें वापस नौकरी पर, उनकी जॉब पर एक्सटेंशन मिले। अकेले हैं, एक चर्चिल नाम की चौल है मुंबई में, वहाँ पर रहते हैं। उस चौल में भी गणपति का आगमन होने वाला है, वहाँ पे भी ये फेस्टिवल जोरों शोरों से सेलिब्रेट किया जाता है, लेकिन एक प्रॉब्लम है, इस बार ये नॉर्थ इंडियन और महाराष्ट्रियन कन्फ्लिक्ट है। इस कन्फ्लिक्ट को पैदा करने वाला एक विलास नाम का टैक्सी ड्राइवर है, मराठी है, और अपने पॉलिटिकल माइलेज के लिए इसने ये इस हवा को, मतलब इस चिंगारी को हवा दी है, मराठी बिहारी। अब वो सीधे तरह के तरीके से पॉलिटिक्स में एंट्री नहीं कर सकता, उसे बिग शॉट बनना है, क्योंकि उसकी खुद की औकात नहीं है असल ज़िंदगी में, एक टैक्सी मामूली टैक्सी ड्राइवर है, जैसे मैंने बताया। तो न्यूसेंस वैल्यू का इस्तेमाल करके वो पॉलिटिक्स में एंट्री लेना चाहता है। मराठी मोर्चा नाम की एक पार्टी है, उसका वो सदस्य है, उसकी पार्टी में भी उसकी कोई औकात नहीं, वैल्यू नहीं है, लेकिन वो बनाना चाहता है इसका इस्तेमाल करके, पॉलिटिक्स का इस्तेमाल करके। तो थोड़ा बहुत सोशियो पॉलिटिकल ड्रामा भी हमें देखने को मिलता है। अब ये भोसले साहब जो है, डायलॉग्स कम है, मतलब मनोज वाजपेयी को बहुत डायलॉग्स कम है, लेकिन फेशियल एक्सप्रेशन से, बॉडी लैंग्वेज से वो सब कुछ बता देते जो उन्हें बताना है। कमाल का एक्टिंग की है, पाप एक्टिंग है, एक्टिंग किसे कहते हैं अगर देखना है तो, एक एक्टिंग स्कूल है मनोज वाजपेयी जी। तो वो अकेले रहते हैं, लोनली है उस चौल में, छोटी सी खुली एक टूटा फूटा रेडियो है जिसमें गाने बजते हैं, नहीं बजते हैं, एक छोटी सी मोरी है वहीं पे वो नाते धोते हैं, एक स्टोव है घास लेट पे चलने वाला, उस पर वो खाना बनाते हैं, चाय बनाते हैं। उनकी पूरी डेली रूटीन हमें 10 मिनट के लिए देखने को मिलती है, उठते हैं, जो जो करते हैं। अब वो क्यों दिखाई गई है, वो भी एक्सप्लेनेशन फिल्म दे देती है हमें। साथ में उनके कौवा है, उनके खिड़की पे, उनकी खोली की खिड़की पे आकर वो बैठता है, कंपेनियन बन गया उनका।
और इस कव्वे का इस्तेमाल भी एक मोटिफ की तरह किया है। ये कव्वा क्लाइमैक्स में हमें जहाँ देखने को मिलता है वहाँ पे पता चल जाता है हमें। मैं बताऊँगा नहीं आपको, वो स्पॉइलर देने जैसा होगा। उस कव्वे का बहुत अच्छी तरीके से इस्तेमाल किया उन्होंने। और उनके बगल में ये सब चल रहा है मराठी बिहारी उस चौल में, चर्चिल चौल में। और उनके बगल में एक नई फैमिली आई है, बिहारी फैमिली है। एक लड़की है, उसका छोटा भाई है, और वो लड़की एक हॉस्पिटल में काम करती है। और कुछ ऐसा हादसा होता है, जैसे मैंने आपको बताया, ये भोसले साहब जो है वो किसी से ज़्यादा बातचीत नहीं करते हैं, सोशली अलूफ हैं, आइसोलेटेड हैं। लेकिन उनकी इस चौल में बहुत इज्जत है, भोसले काका करके उन्हें पुकारते हैं। पुलिस डिपार्टमेंट में भी उनकी बहुत इज्जत है, हर सीनियर हो जूनियर हो उनकी रिस्पेक्ट करता है, जिस तरह से बातचीत चलती है हमें पता चल जाता है। लेकिन अलूफ, तो ज़्यादा वो ध्यान नहीं देते हैं सब सारी चीज़ों पे। और उनके दिमाग में जो है वो सरदर्द से परेशान है, तो वो रुमाल को फोल्ड करके फोरहेड को लगाते हैं, पता चल जाता है हमें, वो स्पून फीड नहीं किया गया। और कुछ ऐसा हादसा होता है कि फिर वो भोसले एक दिन कोलैप्स हो जाते हैं, तो बगल में जो फैमिली आई है, बड़ी बहन उसका छोटा भाई, वो उन्हें लेके जाते हैं हॉस्पिटल में। और एक सीन है जब उन्हें हॉस्पिटल में लिया जाता है, तो पीछे गणपति बैठे हैं, एक आशीर्वाद वाला हाथ है, उस हाथ के पीछे से कैमरे का एंगल लिया है और उन्हें स्ट्रेचर पे लेके जाते हैं, और वो गणपति का आशीर्वाद वाला हाथ, इतना आइकॉनिक सीन है वो, ऑब्जर्व करें तो बताना मुझे, मतलब चाहता था मैं उसे इस टिप को बताया। तो वो पता चलता है कि उन्हें ब्रेन ट्यूमर है, उसी हॉस्पिटल में वो नर्स है वो लड़की, और फिर अच्छा बॉन्डिंग होता है उनका। और कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं, ब्रेन ट्यूमर का पता चलने के बाद फिर वो निराश होते हैं, फिर अपना दिल किसी और चीज़ में वो लगाते हैं। वो जो छोटा लड़का है वो भोसले जी को आइडलाइज करता है, उनकी तरह बनना चाहता है, वो रिस्पेक्ट उसके दिल में पैदा होती है उनके लिए। और फिर कुछ ऐसी घटनाएँ होती है और सब बिखर जाता है, और क्लाइमैक्स में हमें पता चल जाता है क्या होता है उस विलास के साथ, भोसले जी के साथ सब पता चलता है। वो स्पॉइलर देने जैसा होगा अगर मैं बताऊंगा आपको। अब टेक्निकल चीज़ों के बारे में आपको बताऊं तो फोटोग्राफी कमाल की है, बहुत सारे शॉट्स क्लोजअप हैं, और उस चौल को दिखाने के लिए, मुंबई को दिखाने के लिए, वो गणेश फेस्टिवल दिखाने के लिए लाइट येलो कलर का फिल्टर इस्तेमाल किया है, बहुत ही लाइट येलो फिल्टर कलर है मुंबई को दिखाने के लिए। और बहुत सारे शॉट्स जो हैं क्लोजअप हैं, कुछ मैक्रो भी हो सकते हैं, डिटेलिंग के लिए, इमोशंस दिखाने के लिए, तो बेहतरीन है। कुछ सीन्स बहुत डार्क में है, फोटोग्राफी कमाल की है। और बैकग्राउंड म्यूजिक मैंने जैसे आपको बताया बिल्कुल भी नहीं है, मैं अगर प्रतिशत में बताऊं तो 60-40 है, 70-30 कह लीजिए, 70% म्यूजिक है ही नहीं बैकग्राउंड में, बिना बैकग्राउंड म्यूजिक की फिल्म चल रही है। और कुछ ऐसी ही कुछ खास खास सीन्स के लिए बैकग्राउंड म्यूजिक बजता है एक ही टाइप का, गिटार और वायलिन, जो बहुत कंपैशनेट है। उसका मैंने जैसे बताया, उस म्यूजिक का इंपॉर्टेंस हमें क्लाइमैक्स में पता चलता है। और 2 घंटे की फिल्म है, एडिटिंग करके छोटी की जा सकती, लेकिन मैं ये मुझमें हिम्मत नहीं है कि मैं ये बताऊं चीज़, क्योंकि ये डायरेक्टर की खुद की आर्ट है, उसको जितना टाइम लेना था हमारे सामने उस स्टोरी को रखने के लिए उसने लिया है। तो कहने के लिए तो 2 घंटे की फिल्म है, लेकिन मुझे इसमें क्रिटिसाइज़ नहीं करना है, क्योंकि जिस एस्थेटिक वे में, जिस तरीके से इस फिल्म को एग्जीक्यूट किया है, जितना वक्त उसे देना चाहिए था डायरेक्टर को लगा उसने उतना दिया, तो थोड़ी लंबी है 2 घंटे की, ठीक है। लेकिन पहला फर्स्ट हाफ शायद कुछ लोगों को बोर कर जाए, लेकिन डिटेल में देखें तो उसका सेकंड हाफ से किस तरह से कनेक्शन जोड़ा गया है क्लियर हो जाता है, थोड़े पेशेंस चाहिए। एक्टिंग के मामले में मैंने जैसे आपको बताया, मनोज वाजपेयी मतलब कमाल, बिना डायलॉग की एक्टिंग, उनके कॉस्ट्यूम्स, हाथ में 2 अंगूठियाँ, एक पुरानी घड़ी, एक धागा बांधा है, और वो गणपति के खुद भी भक्त हैं, आपको कुछ सीन में पता चल जाता है कि वो पूजा पूजा करते हैं। और संतोष जुवेकर, बेहतरीन एक्टिंग की है इन दोनों ने, फिल्म बेहतरीन बनी है मेरे हिसाब से, तो ये मस्ट वॉच है। ये ऐसी फिल्में आपको थिएटर में देखने को बिल्कुल नहीं मिलेंगी, जगह ही नहीं मिलती उनको थिएटर में, तो OTT प्लेटफॉर्म पे आई है, कुछ अलग देखना है, अब भूखे हुए ऐसे फिल्मों के लिए, तो मस्ट वॉच फिल्म है। चलिए यहीं पर रुकता हूँ, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपने ये फिल्म देखी है तो कैसी लगी आपके कमेंट्स वीडियो में बताइए, और वीडियो पसंद आए तो लाइक का बटन दबाइए।